सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल SS एडिट जोन। और आज आपका भाई हाजिर है फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज का हमारा जो वीडियो है वो फोटोपिया एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो मतलब कुछ इस टाइप की फ़ोटो को मैं इस टाइप का अच्छा रिव्यू इफेक्ट दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो में मैंने एक PNG को यूज़ किया, तो उस PNG की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो फोटोपिया एप्लीकेशन एरा आप देख सकते हैं गाइज। तो फोटोपिया को मैं ओपन कर लेता हूँ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फोटोपिया एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, तो साइड में फाइल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और ओपन पे क्लिक कर दूँगा तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। तो हम अपनी फाइल मैनेजर से अपनी फ़ोटो को चॉइस कर लेंगे कौन सी फ़ोटो को हमको एडिट करना है। तो फोटो ए रही, इसकी ब्राइटनेस बहुत कम है आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं लेयर पे जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्टिव वाला टूल से नीचे तो इसको क्लिक करूंगा और ऊपर लिखा है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट 4th नंबर पे, तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा। देन इसकी ब्राइटनेस को हम इंक्रीज कर देंगे। फ़ोटो आप देख सकते हैं, मतलब ब्राइटनेस आ चुकी है तो फ़ोटो बहुत अच्छी लगने लगी है। फिर से लेयर पर जाऊँगा, ऊपर जो लेयर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मर्ज डाउन कर दूँगा, तो हमारी जो ब्राइटनेस है फ़ोटो में मिल चुकी है। अब इसकी मैं डुप्लीकेट लेयर कर दूंगा अपनी ब्राइटनेस वाली, तो फ़ोटो की एक और डुप्लीकेट लेयर बन चुकी है गाइस। अब हम उस लेयर पर वर्क करेंगे। देन इसके बाद लेयर पे जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्टिव टूल्स पे जाऊंगा और ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक कर दूंगा, तो ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करूँगा और सैचुरेशन को हम फुल माइनस कर देंगे और यहाँ पर लाइटनेस को भी माइनस करूँगा। ह्यू का कोई काम नहीं है इसमें, तो लाइटनेस को ही माइनस करता हूँ। तो गाइस प्रो पे क्लिक कर देंगे तो पेज गायब हो जाएगा। तो अब मैं इस ब्लैक एंड वाइट वाले को मर्ज करूँगा, तो इसके लिए मैं जाऊँगा लेयर वाले टूल्स पे, वो साइड में लेयर है, ऊपर फिर लेयर है, तो यहाँ पे मर्ज डाउन कर दूँगा तो फ़ोटो हो चुकी है। अब मैं इरेज को लेफ्ट में इरेज वाला टूल से इसमें क्लिक करूँगा, तो अब हमको अपने इरेजर का साइज सेट करना पड़ेगा। तो आप अपने फ़ोटो के हिसाब से साइज को सेट कर सकते हैं गाइस। तो मैंने हार्डनेस को कम करके साइज को फुल इन कर दिया और हमको जो बॉडी पार्ट से इसको पूरा इरेज कर देना है और बॉडी के आउट के एरिया उसको ब्लैक एंड वाइट रखना है। तो फोटो हमारी इरेज हो चुकी है। इसके बाद जाऊंगा मैं लेयर्स पे और यहाँ पे सिलेक्टिव वाले ऑप्शन को चॉइस करूंगा। देन इसके बाद कन्वर्स पे जाऊंगा और यहाँ पे RGB रखा है, इसको मैं चॉइस करके रेड पे क्लिक कर दूंगा। तो और हम फोटो को छोटा कर लेते हैं और इस एंगल कुछ इस टाइप का एंगल देना है। तो फोटो में ब्लू इफेक्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इफेक्ट आ चुका है ब्लू कलर का। तो फिर से लेयर पे जाऊंगा और यहाँ पे ऊपर लेयर मर्ज डाउन कर दूंगा, तो देख सकते हैं फ़ोटो को पूरा अपार्ट से रेज हो चुका है, आउट के एरिया ब्लू है। तो अब इसके बाद जाऊंगा मैं फाइल पे और यहाँ पे ओपन एंड प्लेस पे क्लिक कर दूंगा। तो एक PNG को मैं ऐड करूंगा, वाइट कलर की बटरफ्लाई है, उसकी PNG को ऐड करूंगा, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस PNG की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से इसको सेट करेंगे। इसके बाद फिर से एक और PNG को ऐड करूँगा इसी की वाई मतलब बटरफ्लाई की, तो फिर से जाऊँगा और फिर से एक और PNG को ऐड कर लूँगा। तो इसको मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ और इसको सही तरीके से हमको सेट कर लेना है, जिससे फ़ोटो में थोड़ा अच्छे लगने लगे। अब PNG ऐड किए तो अच्छे लगने लगे मतलब। तो फ़ोटो में कुछ बन चुकी है हमारी समथिंग पूरी। तो लेयर पे जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्टिव कलर्स पे और यहाँ पे हम जाएंगे ग्रेडियंट मैप पे, तो फ़ोटो में पूरा ब्लैक कर देना है फ़ोटो को। उसके बाद जाऊँगा मैं लेयर पर और जो हमने पूरा ग्रेडियंट किया है इसको नॉर्मल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे और सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर दूँगा, तो फ़ोटो में एक बहुत अच्छा इफेक्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं फ़ोटो में कितनी अच्छी लगने लगी है, मतलब बहुत अच्छी लगने लगी है। तो गाइस जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक यार ज़रूर कर दें। वीडियो बहुत अच्छी है, आपको अच्छी लगे तो लाइक और कर दें ज़रूर।